नहीं है। हम लोग चैप्टर फोर्स देख रहे थे, उसके दो लेक्चर देख चुके थे और उसमें हमने एफबीडी को बनाना सीख लिया था। एफबीडी के फुल फॉर्म में मालूम होनी चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। टू शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। भूल मत जाना, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो एक्सटर्नल फोर्सेस वर्ड इंपॉर्टेंट है और एक सिस्टम वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो आपको चूज करना आना चाहिए, आपको बताना आना चाहिए आपको दिया हुआ सिस्टम कौन है और उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस देखना चाहिए। फोर्सेस जो आपको डील करने हैं वो कौन कौन से हैं, टेंशन इन स्प्रिंग, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये कॉन्टैक्ट फोर्स के कंपोनेंट्स है दोनों के दोनों, एक स्प्रिंग फोर्स और एक ग्रेविटेशन फोर्स। अभी इन्हीं फोर्सेस को आपको शो करना है तो इनको आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। एफबीडी सारी चीज को कंटिन्यूटी में दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा है लेक्चर थर्ड, ठीक है जी। तो हम लोग एफबीडीज और बनाना सीख लेते हैं, कुछ आसान आसान सी एफबीडीज हमने बनाना सीखी थी उसी को कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद उसको एक्सटेंड करेंगे लेवल को। सपोज कीजिए आपके पास ये सिस्टम दे रखा है, दिस इज M1, दिस इज M2, ये पुली है, ये एक सपोर्ट है, ये एक रफ सरफेस है जो कि रेस्ट में है। किसने कहा है कि मैं इसकी एफबीडी बना के दीजिए, इस सिस्टम की एफबीडी बनानी है। मैं क्या क्या कहा गया है, M1 की एफबीडी बना दीजिए, M2 की एफबीडी बना दीजिए और पुली की एफबीडी बना दीजिए। ये जो पुली है ये मासलेस है, ये जो पुली है ये मासलेस है, तो एफबीडी बनानी है। M1 को ध्यान से देखिएगा, M1 की एफबीडी हम लोग यही प्लॉट कर देते हैं, चेक करते हैं समझ में आता है नहीं आता देखते हैं। M1 पर एक ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करेगा अर्थ का, M1G की रिएक्शन अर्थ पे लगेगी M1G। इसके अलावा इस पर और कौन से फोर्सेस लगेंगे, ये क्या है, बाय अर्थ ऑन ब्लॉक, ये बाय टेबल ऑन ब्लॉक, तो इसी ब्लॉक की तो एफबीडी बना रहे हैं हम लोग, तो ये बाय टेबल ऑन ब्लॉक बोलना चाहिए, बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक, बाय सरफेस ऑन ब्लॉक फ्रिक्शन, चलने की टेंडेंसी इधर तो फ्रिक्शन इस तरफ। तो सारे जगह पर नाम अलग अलग आए हैं लेकिन ऑन ब्लॉक आए, ध्यान से पढ़ना, बाय अर्थ ऑन ब्लॉक, क्योंकि इस ब्लॉक की एफबीडी बनानी है, बाय अर्थ ऑन ब्लॉक, बाय टेबल ऑन ब्लॉक, बाय टेबल ऑन ब्लॉक, बाय टेबल ऑन ब्लॉक, दो कंपोनेंट होते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स के। अगर नेट कॉन्टेक्ट फोर्स शो करना होगा तो इधर आएगा इनका रिजल्टेंट। इस पर कोई पूछ रहा है आपसे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग, 1, 2, 3, 4, आपका जवाब क्या होगा, ऑफ कोर्स 3, टेंशन, एमजी और एक था कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट थे, भूल मत जाना, ये कॉन्टैक्ट फोर्स के कंपोनेंट है। क्लियर होगी सबको ये बात की क्या बताया गया, कि नंबर ऑफ फोर्स कैसे शो किए गए। ये होगी M1 की एफबीडी, इसको हटा दीजिए, इसको रिजॉल्व करके हमने लिखा हुआ है N1 और F के फॉर्म में। अब बारी आती है M2 की, M2 पर एक M2G एक्ट होगा और एक टेंशन T एक्ट होगी। इनकी वैल्यूज नहीं निकाल रहे हैं, अभी सिर्फ फोर्सेस को शो करना सीख रहे हैं। ये पुली मासलेस है, तो ये वाला T और ये वाला T इस पुली पे लग रहा है, इस तरफ T और T मिलके। अगर ये पुली इस टेबल को इधर दबा रही है तो ये टेबल पुली को इस तरफ दबाएगा, तो ये बाय टेबल ऑन पुली, बाय स्प्रिंग ऑन पुली, बाय स्प्रिंग ऑन पुली। समझ में आ गया होगा बच्चों आप सबको कैसे एफबीडी बनाई गई है। तो स्विंग के केसेस में एफबीडी कैसे बन रही है आपके सामने, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और क्लैरिटी लेके आते हैं एफबीडी के अंदर ही। ध्यान दीजिएगा जी, मान लीजिए आपके पास ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लिनेशन थीटा का, जहां पर ये M1 ब्लॉक है, ये पुली होगी और ये M2 ब्लॉक है, कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये सरफेस स्मूथ सरफेस है, स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन नहीं आएगा इस पर,
इससे पूछ लेते आपसे कि M1 की FBD बनाओ, M2 की FBD बनाओ, पुली की FBD बनाओ, सेम क्वेश्चन है। तो M1 की FBD में M1 जी को हमेशा टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ शो करते हैं। अब यहां पर स्मूथ फ्रिक्शन तो आएगा नहीं, फ्रिक्शन नहीं आएगा तो कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन आएगी और एक धागे में टेंशन टी आएगी। ये उधर जाए इधर जाए बात की बात है, ये उधर जाएगा तो नीचे जाएगा, इधर जाएगा तो उधर जाएगा, बात की बात है कि चलो कैसा है, लेकिन फोर्सेस ये तीन एक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा तुम सबको। इस M2 की एफबीडी में क्या जाएगा, M2G और टेंशन टी, क्लियर हो गया सबको। और चेक कीजिए इस पुली पर टेंशन टी इधर और टेंशन टी इधर, समझ में आ गया तुम सबको कैसे इस प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने एफबीडी बनाई है। लेवल फिर चेंज कर रहा हूं, अब थोड़ा सा लेवल लेके एक और क्वेश्चन में उसकी एफबीडी बनाते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, वो एफबीडी इंपॉर्टेंट है और वो लास्ट एफबीडी है, उसके अंदर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे और फिर एफबीडीज का यूज उन लॉज के अंदर ही करेंगे। तो एक एफबीडी और बनवा रहा हूं आपसे, इस एफबीडी को ध्यान से देखिएगा। चलिए चेक कीजिए, ये एक वेज है जो कि एक दीवार के अगेंस्ट पड़ा है, स्मूथ सरफेस पे पड़ा है, ये एक वॉल के अगेंस्ट वेज पड़ा है, यहां पर एक ट्रायंगुलर ब्लॉक पड़ा है, इसका मास कैपिटल M, इसका मास या M1 M2 M3 लिखते हैं, इसका मास M3, इसका मास M2, इसका मास M1, ये ग्राउंड आ गया और बोला गया ऑल कॉन्टेक्ट आर स्मूथ, सभी के सभी कॉन्टेक्ट स्मूथ है, ठीक है जी। अभी छोड़ने पर क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन आपसे कहा गया एफबीडी बनाइए M1 की, M2 की, M3 की, M1 प्लस M2 इसकी एफबीडी बनाइए, M1 प्लस M2 प्लस M3 की एफबीडी बनाइए। ये हम पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हम किसकी एफबीडी बनाएंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली, लेकिन फिलहाल मैंने आपसे ये डिमांड रखी है M1 की एफबीडी, M2 की एफबीडी, M3 की एफबीडी, M1 प्लस M2। तो इन जगहों पे पहले कॉन्टेक्ट के नाम रख लेते हैं, इस कॉन्टेक्ट पे हम लोग नाम रख लेते हैं 1, इस कॉन्टेक्ट पे नाम रख लेते हैं 2 और इस कॉन्टेक्ट का नाम रख लेते हैं 3। एक कॉन्टेक्ट ये रहा और एक कॉन्टेक्ट ये रहा, इसका नाम रख लेते हैं 4। चार तो कॉन्टेक्ट है, एक नंबर कॉन्टेक्ट, दो नंबर कॉन्टेक्ट, तीन नंबर कॉन्टेक्ट और ये चार नंबर कॉन्टेक्ट, चार कॉन्टेक्ट है। फ्रिक्शन तो आएगा नहीं, पर भी ऑल कॉन्टेक्ट्स आर स्मूथ, सबको बात समझ में आ गई जो बोला गया। अब आप एफबीडीज नाम शुरू कीजिए वन बाय वन, लिए पहले M1 की एफबीडी और ये साथ में M2 को भी प्लॉट करके रख लेते हैं क्योंकि एफबीडी को बनानी बनानी है, और साथ में M3 को भी प्लॉट करके रख लेते हैं। ये वॉल के अगेंस्ट पड़ा है, ग्राउंड पर पड़ा है, वॉल के अगेंस्ट पड़ा है, ये ग्राउंड हो गया, ये M2 है, ये M3 है। स्टार्टिंग इट नाउ बच्चों, यहां पर एक तो आएगा M1G और ये वाला ब्लॉक इस पर एक कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगा, उसका नाम रखेंगे N1। M2 ने M1 पर फोर्स लगाया, क्यों? क्योंकि M1 ने भी तो M2 पे फोर्स लगाया होगा और एक M2G भी लग रहा होगा, ये कॉन्टेक्ट का फोर्स है, ये ग्रेविटी का फोर्स है, और इस पर एक कॉन्टेक्ट फोर्स यहां से लग रहा होगा, ये दो नंबर उसका नाम हम लोग M2 रखते हैं। आराम आराम से सीखना, कोई गड़बड़ नहीं करनी है, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, एमजी और नॉर्मल, इस पर फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, एक इससे नॉर्मल लगाना है, वो नॉर्मल वेट के बराबर है या नहीं है बात की बात है, लेकिन ये इस पर कॉन्टैक्ट लगाएगा, इसका वेट खुद रिजेक्ट करेगा और एक यहां का कॉन्टैक्ट फोर्स N2। इस M3 पे आ जाओ, मिक्सिंग मत कर देना, M2G को इरेज करके थोड़ा ऊपर दिखा रहा हूं, M3 पे आ जाओ, M3G ये रहा, यहां का कॉन्टेक्ट इस पर N2 इस तरफ, ये N2 यू बनेगा तो जाने की टेंडेंसी इसके पीछे बनेगी, तो यहां से एक नॉर्मल आएगा वॉल का, क्योंकि ये वॉल को धक्का मार रहा, वॉल का नाम रखा है M3, तो ये M3 और एक ग्राउंड तो है ही है, तो ये एक N4, इन सब के नाम बोलना सकते हैं। ये क्या चीज है, बाय M2 ऑन M1, बाय अर्थ ऑन M1, दोनों जगह पे ऑन M1 नाम आया है। यहां पे आ जाओ, बाय
M3 on M2 by Earth on M2 by M1 on M2. M3 में आ जाओ, by Earth on M3, by ground on M3, by wall on M3, by 2 on M3. FPDs बनाना सीखनी है। मैंने तुम्हें कहा M1 की FPD बनाओ, M2 की बनाओ, M3 की बनाओ, और भी फोर्स एक्ट कर नहीं रहा। M1 plus M2 की बनाओ। M1 plus M2 की FPD बनाने के लिए इसको इसके ऊपर रख दो। तो N1 से M1 कट जाएगा, क्योंकि इसने इस पर फोर्स लगाया, इसने इस पर फोर्स लगाया। अगर इसको सिस्टम लगा दो तो इंटरनल बन जाएगा, फिर एक्सटर्नल की डेफिनेशन में आएगा नहीं। तो अगर M1 plus M2 की कंपोजिट FPD बनाओगे, दिस इज M1 M2, तो एक तो आएगा M1G plus M2G और एक आएगा नॉर्मल ये वाला। ये कौन सा नॉर्मल था? 2 वाला। और क्या फोर्स है ही नहीं इस पे? ये N1 अब क्या कहलाएगा? नाउ N1 विल बी कॉल्ड इंटरनल इन दिस FPD। समझ में आ गया तुम सबको? इसमें N1 क्या कहलाएगा? इसमें N1 इंटरनल कहलाएगा। और FPD की डेफिनेशन क्या बताई थी? टू शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम। उसी को शो कर रखा है। बात समझ में आ गई क्या तुम सबको? अब इसमें एक बात और समझ लीजिए। हालांकि करना तो एनएलएम में है, कोई हमसे पूछ ले कि ये ब्लॉक इसके ऊपर पड़ा है तो क्या ये जब ये नीचे जाएगा तो क्या ये आगे भी जाएगा? क्योंकि जब ये नीचे जाएगा तो ये आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है M2 तो। लेकिन क्या M1 भी आगे जाएगा क्या? तो M1 की एक्टिविटी सजेस्ट कर रही है कि M1 पर आगे कोई फोर्स ही नहीं है। M1 पर फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है। ये M1 सिर्फ और सिर्फ नीचे जा सकता है, फोर्स इस तरफ आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, धीरे धीरे से सब समझ में आएगा। अगर M1 प्लस M2 प्लस M3 की एक्टिविटी बनाओगे तो इसको इसके ऊपर रख के इसको इसके ऊपर रख दो तो N1 इंटरनल हो जाएगा, M2 इंटरनल हो जाएगा। बचेगा क्या? M1G plus M2G plus M3G, एक नॉर्मल ग्राउंड और एक नॉर्मल वॉल। समझ में आ गई तुम सबको बात? क्या ध्यान से नोट कर लीजिए इस चीज को बच्चों। तो समझ में आ गया होगा, मोबाइल वाला खिसक गया था तो कट गया हो तो वापस चेक कर लेना कि कैसे एम्पिटीज बनाई गई है। सारी स्टेटमेंट्स को एक बार वापस चेक कर लेना रिवाइंड करके कि कैसे एफबीडी बनेगी। समझ में आ गया होगा तुम सबको बच्चों। आगे देखते हैं, ये हुआ फोर्स चैप्टर का खत्म। फोर्स चैप्टर के नाम से चीज है वो खत्म हो गई है। अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा चैप्टर जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन NLM। पढ़ते हम लोग सब कुछ NLM में ही है, बस फोर्स को अलग तरीके से डिफाइन करके एक चैप्टर बना के आपको एक्सप्लेन किया है चीज कि फोर्स पुश और पुल करना होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने इस डिस्कशन में सारा चेक किया। अब बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले एक टर्म और पढ़ लेते हैं, इसका नाम है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो सिंबल है वो पी है। वेक्टर पी इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम की डायरेक्शन जो होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज अलोंग वेलोसिटी वेक्टर। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है, इसको एक बार फिजिकल सिग्निफिकेंस वाइज समझ लेते हैं हम लोग। मानिए आपके सामने से 10 मीटर पर सेकंड से बॉल आ रही है तो आप उसको आराम से पकड़ लेंगे, लेकिन 10 मीटर पर सेकंड से आपके सामने से ट्रक आ रहा होगा तो आप चुपचाप साइड में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास मास है, तो एक टर्म ज्यादा होगी जिसका नाम है मोमेंटम। तो मोमेंटम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है
क्योंकि यही फोर्स को डिफाइन करवाता है बच्चों। हम डेफिनेशन देखेंगे लेकिन लीनियर मोमेंटम का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। p इक्वल टू mn2 की इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, ये आ गया मैग्नीट्यूड mn2 की। यूनिट क्या होगा, किलोग्राम इसका है मीटर पर सेकंड इसका है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या इसका सेकंड यूनिट याद रखिए न्यूटन सेकंड है, इसका सेकंड यूनिट है न्यूटन सेकंड, दोनों ही यूनिट इंपॉर्टेंट है इसके। डायमेंशन फॉर्मूला यहां से इसका आई जाएगा, इसका मास का 1 है, लेंथ का 1 है और टी का माइनस 1 है, मास लेंथ और टाइम एक ऊपर से नेगेटिव, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m बराबर टी माइनस 1। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इसको चेक कर लेते हैं। हाफ एम, एम से मल्टीप्लाई एक एम से डिवाइड किया है, तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में ये रिलेशन होता है। एम वी की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया बच्चों, लीनियर मोमेंटम पुट कर दिया एम वी, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2mk, या पी इक्वल टू क्या आ गया रूट 2mk। तो ये रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन आपके पास आ गया। ध्यान से इसको भी लिख लीजिए, तो लीनियर मोमेंटम के बारे में हम लोगों ने देखा। अब बात आती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, तीन लॉज है एक तो है लॉ ऑफ इनर्शिया, एक हो गया लॉ ऑफ मोशन एंड दिस इज रियल लॉ ऑफ मोशन, और तीसरा है एक्शन रिएक्शन लॉ। इससे ये डिराइव कर सकते हैं, इससे ये भी डिराइव कर सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया इसी से डिराइव है। लॉ ऑफ मोशन जो है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है। तो हम लोग बात कर रहे हैं रियल लॉ ऑफ मोशन या फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। इससे बात कर रहे हैं को लिख लीजिएगा कि ये तीन चीजें हैं, पढ़ेंगे पहले ये पढ़ चुके हैं हम लोग, इसी से इसको डिराइव करेंगे कि स्टेटमेंट क्या है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन सिंपल सा है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम is equals to rate of change of linear momentum. External force acting on a system is equals to linear change, the rate of change of linear momentum of the system. The rate of change of linear momentum of the system. और P का expression क्या पढ़ा हम लोगों ने, mn2 की, तो F external की value आ जाएगी d by dt of mv. product rule लगाए थे v टाइम dm by dt प्लस m टाइम dv by dt, इफ m इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में जितनी प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे उनमें मास कॉन्स्टेंट होगा, आगे जाके वेरिएबल मास सिस्टम भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल m कॉन्स्टेंट हो तो क्या बन जाएगा, f एक्सटर्नल इक्वल्स टू m टाइम dv by dt, और डीवी बाई डीटी क्या होता है एक्सेलरेशन। तो एफ एक्सटर्नल जो होता है वो हमेशा एम आई के बराबर होता है, यानी एफ एक्स जो होगा वो एम एक्स होगा, एफ वाई जो होगा वो एम ए वाई होगा, एफ जेड जो होगा वो एम ए जेड होगा, ये सब एक्सटर्नल है। सिंपल सी बात समझ लीजिए,
ये सारे रियल फोर्सेस हैं। रियल फोर्सेस कौन से जो आपको पढ़ा रहा हूं, टेंशन, एमजी, नॉर्मल फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, और भी हो सकते हैं, फिलहाल ये स्टडी कर रहे हैं। तो ये सब रियल फोर्सेस है जो एक्ट हो रहे हैं। एमए इज नॉट अ रियल फोर्स, इज नॉट अ रियल फोर्स, यानी एमए लगता नहीं है, एमए मिलता है। इन फोर्सेस से एक्सीलरेशन मिल सकती है, इन फोर्सेस से एक्सीलरेशन मिल सकती है। एक्सीलरेशन इनटू एम से जो फोर्स बन रहा है, ये फोर्स लग नहीं रहा है, एक्ट नहीं हो रहा, एक्ट ये वाले फोर्सेस हो रहे हैं सिस्टम पे, उनसे एक्सीलरेशन जनरेट होगी। तो एक्सीलरेशन मिलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एफ नेट इक्वल टू एमए, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एमए को आपको बोलना आना चाहिए कंपोनेंट वाइज भी। एफ एक्स इक्वल टू एमए एक्स, एफ वाई एक्सटर्नल इक्वल टू एमए वाई, एफ जेड एक्सटर्नल इक्वल टू एमए जेड। समझ में आ गया तुम सबको? तो दिस इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन, कि इन फोर्सेस के रिजल्टेंट से एक्सीलरेशन जनरेट होती है। ध्यान से मैथमेटिकल नोट कीजिए, इसी से हम लोग फर्स्ट लॉ को डिराइव करेंगे, इसी से हम लोग फर्स्ट लॉ को डिराइव करेंगे। अभी चेक करें कि कैसे डेरिवेशन आएगा, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। एफ एक्सटर्नल में कौन से फोर्सेस लिखे जाएंगे, ये सारे फोर्सेस जो भी एक्ट कर रहे होंगे इनमें से, वो सारे लिखे जाएंगे। ठीक है, चेक करेंगे भी, आगे बढ़ेंगे, पहले बेसिक डेफिनेशंस पे काम कर लेते हैं। तो दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहीं से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जनरेट कर रहा हूं, चेक कीजिएगा कैसे आएगा। इफ एफ एक्सटर्नल ऑन सिस्टम इज जीरो, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाए तो एम ए जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो मतलब डीवी बाई डीटी जीरो, तो वेलोसिटी क्या जाएगी, कॉन्स्टेंट। वेलोसिटी कॉन्स्टेंट में मे बी नॉट इक्वल टू जीरो, मे बी जीरो, हो सकता है पहले वेलोसिटी जीरो, हो सकता है पहले वेलोसिटी जीरो नहीं हो। तो यहां से स्टेटमेंट सुनिए, पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस वाली डेफिनेशन सुनते हैं, जो हम लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, यहां से ये लॉ ऑफ इनर्शिया बनेगा। इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट दूंगा मैं अभी, पहले स्टेटमेंट सुनिए क्या होती है। इफ एक्सटर्नल फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, देन व्हाटएवर सिस्टम इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, व्हाटएवर सिस्टम इज मूविंग that will keep moving with same velocity in same direction. क्यों? क्योंकि F external zero है। तो law of inertia होता क्या है? जो चीज rest में वो rest में रहेगी, जो चीज motion में वो उसी direction में motion में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई external force act नहीं करता, कर ही नहीं रहता। External force act तो ये constant ही रहेगा। तो समझ में आ गया कि ये law of inertia की statement है। अब इसको mathematically कैसे state करते हैं? Newton की statement क्या थी? सिंपल सी स्टेटमेंट थी, एक्सीलरेशन ऑफ अ सिस्टम इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो। तो सही तो है, सिस्टम की एक्सीलरेशन जीरो होगी तो एफ एक्सटर्नल जीरो होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो रहेगी क्योंकि एफ एक्सटर्नल जीरो है। समझ में आ गया तुम सबको बच्चों? तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया किससे एसोसिएट होता है, याद रखिए इनर्शिया एसोसिएटेड है मास से, मास के कारण ही मोमेंटम आया था। तो इनर्शिया इज एसोसिएटेड विद मास, आप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों? क्लियर है? इससे थर्ड लॉ भी जनरेट किया जा सकता है, ये तो एफ एक्सटर्नल लिखे हुए हैं। अगर सपोज करो आपके पास कोई टू पार्टिकल सिस्टम है, इससे थर्ड लॉ को प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो आपके पास टू पार्टिकल सिस्टम है, इस टू पार्टिकल सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट कर रहा हो, तो हमें लिखना क्या पड़ेगा मैथमेटिकली, एफ एक्सटर्नल प्लस एफ वन टू प्लस एफ टू वन
इक्वल टू एम ए। अब मान के चलिए कि आपके पास अभी तक ये प्रूफ नहीं है कि इनका रिजल्टेंट जीरो होता है, तो इस पूरे सिस्टम में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? कोई एक्सटर्नल और कोई इंटरेक्शन, वो अट्रैक्शन, इंटरेक्शन अट्रैक्शन या रिपल्शन कोई भी हो सकती है। तो इस सिस्टम पर तो तीन फोर्स आ गए ना, और हम लोगों ने पढ़ लिया अगर ए जीरो होगा तो एफ एक्सटर्नल भी जीरो होगा। इसका मतलब एफ वन टू प्लस एफ टू वन इक्वल टू जीरो। दिमाग के अंदर फोकस रखिएगा इस बात का कि अभी आपको पता नहीं है कि इनका वेक्टर सम जीरो होता है। अभी इस सिस्टम पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? तीन। तो तीन का वेक्टर सम एम ए के बराबर होना चाहिए, और हम पढ़ चुके हैं कि एफ एक्सटर्नल एम ए के बराबर होता है, तो ये तो कट जाएंगे। एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया तो एम ए भी जीरो, ये हमेशा इसके बराबर होता ही, तो इन दोनों का सम क्या आएगा? जीरो आएगा ही आएगा। तो यहां से क्या आ गया? एफ वन टू इक्वल टू माइनस एफ टू वन। समझ में आ गई होगी सबको बात कि थर्ड लॉ इसी से डिराइव्ड है। इसलिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते होते हैं? रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते होते हैं बच्चों। इसीलिए इसको हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन कहते होते हैं। ठीक है जी। बेसिक डेफिनेशन आपको सारी आ चुकी हैं। अब ध्यान से देखिए कि आगे की डिस्कशन क्या हो सकती है इसके अंदर। इरेज करना सारा क्वेश्चन बच्चों। अब आपके पास रूल आ गया है एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स, एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई, एफ जेड इक्वल टू एम ए जेड। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए ये सारे एक्सटर्नल हैं। यहां से कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूनिट की। एसआई यूनिट जो होता है फोर्स का, दैट इज न्यूटन। यहां से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर ही है। ये ऐसे यूनिट है। सीजीएस यूनिट जो होता है वो इसको होता है डाइन, एंड 10^5 डाइन्स इक्वल्स टू 1 न्यूटन। ये किसके बराबर होता है? डाइन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। दो इसके ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी हैं। एक ग्रेविटेशन यूनिट है किलोग्राम वेट। 1 किलोग्राम वेट जो होता है वो जी न्यूटन के बराबर होता है। जी की वैल्यू 9.8 दे रखी है तो 9.8 न्यूटन, या अगर 10 दे रखी है तो 10 न्यूटन। 1 किलोग्राम वेट, किसने कहा कि 5 किलोग्राम वेट है? तो 5 किलोग्राम वेट का मतलब जी से मल्टीप्लाई करना न्यूटन में बदलने के लिए। 5 kg वेट किसके बराबर आ जाएगा? 50 न्यूटन के बराबर आ जाएगा अगर जी 10 दे। तो किलोग्राम वेट इज नेक्स्ट यूनिट। ग्रेविटेशन यूनिट जो होते हैं वो दो होते हैं। इसी तरीके का यूनिट है किलोग्राम फोर्स। 1 kgf का मतलब भी क्या है? जी न्यूटन। यानी 2 किलोग्राम फोर्स का मतलब, 2 किलोग्राम फोर्स का मतलब 2 किलोग्राम वेट ही है, यानी ये 20 न्यूटन के बराबर आ गया। तो यूनिट्स ऑफ फोर्सेस तुम्हें समझ में आ गए होंगे किलोग्राम वेट का मतलब क्या होता है। ध्यान से इस चीज को भी नोट कीजिए बच्चों। याद रखिए आपके सामने जो मैक्सिमम यूनिट आएंगे वो न्यूटन आएगा या फिर किलोग्राम वेट यूनिट आएगा। ये दोनों यूनिट्स आपके सामने बहुत बार आएंगे बच्चों। डाइन वगैरह में इतनी दिया होता है, बट इनमें दिया होता है, बहुत बार दिया होता है।
बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। इसके स्टेप्स मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप स्टेप्स को समझिएगा। पहला स्टेप क्या होगा, राइट कंस्ट्रेंट रिलेशन ऑफ मोशन। मोशन किस प्रकार हो रहा है, मोशन किस प्रकार हो रहा है, सबसे पहले ये चेक करना है। कंस्ट्रेंट रिलेशन, ये स्प्रिंग कंस्ट्रेंट हो सकती है, ये वेज कंस्ट्रेंट हो सकती है, ये मिक्स कंस्ट्रेंट हो सकती है। कंस्ट्रेंट एक दो तीन कितने भी रिलेशन हो सकते हैं। सबसे पहले आपको कंस्ट्रेंट लिखनी आनी चाहिए, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, चूज सिस्टम। चूज सिस्टम में आप सिंगल ब्लॉक ले सकते हैं, सिंगल कोई ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, आप कोई टू थ्री फोर ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन टू थ्री फोर ऑब्जेक्ट वो चूज करने हैं जिनकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो, उनको आप एक सिंगल सिस्टम में चूज कर सकते हैं। अभी सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं, ये सारे स्टेप्स में एक एक करके एग्जांपल में भी लूंगा। पहला है कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना, दूसरा है सिस्टम चूज करना, सिंगल ब्लॉक हो, टू ब्लॉक हो, थ्री ब्लॉक हो। सिंगल ब्लॉक में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन टू थ्री फोर ब्लॉक हो तो आप उन सबको एक सिस्टम मान सकते हैं अगर उनकी एक्सेशन के मैग्नीट्यूड सेम है। अगर एक्सेशन के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो आपको अलग अलग सिस्टम ही उनको सपोज करना होगा। सेकेंड आपके पास ये वाला स्टेप आया। थर्ड स्टेप, जो भी आपने सिस्टम चूज किया उसकी एफबीडी बनाइए, मेक एफबीडी ऑफ दैट सिस्टम। एफपीडी बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है चूज रेफरेंस फ्रेम। चूज रेफरेंस फ्रेम का मतलब समझते हैं, हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रॉब्लम में आ रही हो तो आप एक्स वाई डिफाइन कीजिए, और हो सकता है आपके पास प्रॉब्लम इंक्लाइन प्लेन पे हो तो भी आप एक्स वाई डिफाइन कीजिए। तो आपको ये रेफरेंस फ्रेम चूज करना होगा। अगर इंक्लाइन प्लेन में मोशन हो तो एक्स वाई यू चूज करो, अगर मिक्स है तो अपने दिमाग में तय रखो कि मोशन यू और यू भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल सिर्फ इंक्लाइन प्लेन पे हो। अब इसमें रेफरेंस कैसे चूज करोगे, अगर सिस्टम तुम्हारे पास ही आ जाए तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग चलाना पड़ेगा कि रेफरेंस चाहिए बोल चाहे बोल दो, इधर की कहानी यूं लिखनी पड़ेगी, इधर की कहानी यूं लिखनी पड़ेगी, तो ये भी तुम्हें आगे आ जाएगा। चौथा स्टेप हुआ ये वाला। पांचवा स्टेप क्या है, एफबीडी बना चुके हो, रेफरेंस फ्रेम चूज कर चुके हो, पांचवा स्टेप है रिजॉल्व फोर्सेस। अब रिजॉल्व फोर्सेस का मतलब सारों को एक्स वाई के अनुरूप रिजॉल्व कर लो, जो एक्स में रिजॉल्व करे वो एक्स में रिजॉल्व हो जाएंगे, जो वाई में रिजॉल्व करे वाई में रिजॉल्व हो जाएंगे। लास्ट स्टेप एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स, एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई और एफ जेड इक्वल टू एम ए जेड लिखना सीखें। अगर सिस्टम हिल ही नहीं रहा, सपोज करो इसका मोशन इधर हो रहा है इसमें नहीं हो रहा, ay जीरो डालो fy जीरो आ जाएगा। अगर इंक्लाइन पे बात चल रही है तो इधर fy जीरो हो गया, तो आपको ये बोलना आना चाहिए कौन सी चीज जीरो है, किस तरफ एक्सेलरेशन आ रही है। अगर मोशन हो ही नहीं रहा तो ax ay az सब जीरो हो जाएंगे, और यहां से आपके पास ax ay az की वैल्यूज आ जाएंगी। नेट एक्सेलरेशन ax i कैप ay j कैप az k कैप से आ जाएगी, और मैग्नीट्यूड इस इक्वेशन से आ जाएगा। स्टेप्स लिख दिए हैं, आपको नोट करने हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे ये सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए सारी चीजों को। समझ में आ गया होगा तुम सबको कैसे लिखा गया इन चीजों को। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, आराम आराम से सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, धीरे धीरे सीखिएगा।
ये स्टेप्स सारे के सारे तुम्हारे दिमाग में घूम जाने चाहिए। क्वेश्चन दे रहे हैं स्टार्टिंग में कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन पर टेस्ट। नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। इसे पहली प्रॉब्लम दे देते हैं हम लोग, ये एम मास है जो ग्राउंड पे पड़े और ये स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है जो मर्जी बोल दो, स्मूथ सरफेस है। पूछा गया कि यहां का नॉर्मल रिएक्शन लिख दीजिए, तो यहां का नॉर्मल रिएक्शन लिखना है तो मोशन तो होएगा, कोई कंसंट्रेशन तो आएगा नहीं, सिंपल एफपीडी पे जाना है, एक एमजी एक्ट कर रहा है, एक नॉर्मल एक्ट कर रहा है, और आपने कंक्लूड किया कि वी नो दैट मोशन इज नॉट टेकिंग प्लेस, वी नो दैट ए वाई इज जीरो। अब एमजी ऊपर ये रहा नीचे, तो एमजी माइनस एन बराबर जीरो, दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं 180 डिग्री पर, F net equal to MA by A by 0 है, तो normal की value कितनी आएगी? MG के बराबर आएगी। समझ में आ गई होगी तुम सबको ये बात बच्चों? Next question देखिए, ये एक cylinder है, M mass का, जो दो planks के बीच में फंसा हुआ है। पहले सिलेंडर बना के दो टेंजेंट स्पॉट कर लीजिए, ये एंगल आपको दे दिया गया है 60 डिग्री, ये प्लैंक वन ये प्लैंक टू, ये वर्टिकल डायरेक्शन ही है, यानी ये भी 30 है और ये भी 30 है, गिवन है। तो कहा गया एन वन एन टू की वैल्यू निकाल दीजिए, एन वन एन टू की वैल्यू निकाल दीजिए। इस सिलेंडर का मास एम है, समझ लीजिए जैसे ये दो प्लैंक हो गए, इन प्लैंक के बीच में एक सिलेंडर फंसा दिया है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेटा, जैसे इन दो प्लैंक्स के बीच में ये सिलेंडर फंस गया, तो इन दोनों की नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ रही है हमें ये चेक करना है। तो करना क्या है, मोशन तो हो ही नहीं रहा, कंसंट्रेशन तो आ जाएगी, सिंपल एफ इक्वल टू जीरो लिखना है, fx भी जीरो और fy भी जीरो है। बातों को ढंग से सीखिएगा, इसमें एंगल निकालने की बात आएगी कि नॉर्मल शो कैसे करने हैं, एंगल कैसे शो करने हैं। बोर्ड पे ध्यान रखिए सब लोग, ये सिलेंडर, ये एमजी डाउनवर्ड, ये टेंजेंट्स हैं तो नॉर्मल सेंटर से जाएंगे ही जाएंगे, तो नॉर्मल सेंटर से चलेंगे, इसका नाम टू, तो इसका नाम टू एन टू एन वन। अब आप लोगों को ये एंगल डिस्क्राइब करना आना चाहिए, समझना ध्यान से कि ये प्लैंक सीधा होता, ये प्लैंक सीधा होता तो ये चीज क्यों होती। अब ये प्लैंक अगर 30 से झुकेगा तो नॉर्मल 30 से उठ जाएगा, तो ये नॉर्मल 30 से ही उठा हुआ, सेम फॉर दिस थिंग। आया ना, मैं जवाब दे दीजिए कि समझ में आया नहीं आया, अगर चाहो तो यहां से भी डिस्क्राइब हो जाएगा, ये 30, ये 90, ये 60, ये 60 तो बचा हुआ 30, ये 30 तो ये 60, ये 60 तो ये भी 60 और ये भी 60। अब fx 0 करोगे तो ये n2 है, ये n1 है। हमने क्या कहा, पहले फोर्सेस को शो कर लो, फोर्सेस शो हो गए फिर रिजॉल्व कर लो, ये n1 sin 60, ये n2 sin 60, तो इसकी एफबीडी में ये n1 sin 60, ये n2 sin 60, fx बराबर 0 क्या दे देगा, n1 बराबर n2, इधर से n1 बराबर n2 आ गया, ये n1 cos 60, ये n2 cos 60, ये mg के बराबर है, n1 cos 60 plus n2 cos 60 mg के बराबर, n1 n2 बराबर है तो n by 2 plus n by 2 बराबर mg, तो normal mg के बराबर ही आ गया, तो n1 n2 दोनों mg mg के बराबर आ गए, दोनों mg mg के बराबर आ गए, mg by 2 plus mg by 2 is balancing mg। क्या पूरी बातचीत समझ में आ गई क्या तुम सबको, क्लियर हो गया सबको क्या, ध्यान से नोट कर लीजिए इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व कर चुके हो, चुकी हो अगर तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देना, ध्यान देना, सेम क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन में क्या किया, एक प्लैंक को वर्टिकल कर दिया और एक प्लैंक को हमने 60 डिग्री पर इंक्लाइन कर रखा। इसका मास ME है, saying its name is 1, its name is 2, looking for N1 and N2. N1 and N2. तो नॉर्मल 1 को निकाल दीजिए, एफडी बना रहे हैं, एक तो आएगा MG। इन एरोज को हमेशा नंबर लगाना चाहिए ताकि आपको एंगल देखें, 60 60 60 ऐसे बोलने हैं, इसे इन एरोज को लंबा लगाना चाहिए। अच्छा जी, इस एरो को लंबा लगा दिया, इस एरो को भी हमने लंबा ड्रॉ कर दिया, इसका नाम रख रहे हैं N1, इसका नाम रख रहे हैं N2। एंगल डिस्क्राइब करना चाहिए, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, ये 90, तो ये 30 आएगा पक्का, ये 30 तो ये 30 आएगा, ही आएगा, आना ही था। अगर ये वाला प्लैंक सीधा होता, उसको यूं 60 से झुकाऊंगा तो ये नॉर्मल 60 से बढ़ेगा, तो ये 30 ही बचेगा, 30 आना ही था। जैसे मर्जी एक्सप्लेन कीजिए, आपको ये एंगल देखने आ गई। अब इसमें तीन फोर्सेस है, N1, N2, MG। ये एक्स वाई के अलोन तो आएंगे, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इट शुड बी N1 cos 30 एंड इट शुड बी N1 sin 30। अब अगर आप बोले fx बराबर 0 है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो N1 sin 30 इक्वल टू N2, तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 N2, ये तो N1 N2 में रिलेशन आ गया। सेकंड, इस तरफ क्या आ रहा है, N1 cos 30 लिखे तो पहले fy इक्वल टू 0 से लिख रहा हूं, क्योंकि y के अलोन भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो N1 cos 30 इक्वल टू mg। N1 की वैल्यू कितनी आ गई, mg, ये रूट 3 बाय 2 था, तो 2mg बाय रूट 3, N1 आ गया, तो N2 अपने आप आ गया। समझ रहे हैं कैसे नंबर रिलेशंस कैलकुलेट किए जा रहे हैं? एक्सेलरेशन तय की, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो fx भी 0, fy भी 0। ठीक है जी, इस लेक्चर में इतना काफी है, हम लोग प्रॉब्लम्स इसकी कल अगले लेक्चर में और आगे बढ़ाएंगे, और प्रॉब्लम्स ही करनी है मैक्सिमम इसमें, और साथ में हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन के लेक्चर भी इसी के अंदर फॉलो करेंगे जी। ठीक है, इन फॉर।